अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डार्क रूम प्रोसीजर। बेसिकली जो हमारे डार्क रूम प्रोसीजर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और किस कंडीशन में हम डार्क रूम प्रोसीजर करते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डार्क रूम प्रोसीजर। जो डार्क रूम प्रोसीजर जो होते हैं हमारे, वो फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी, सेकेंड डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी, थर्ड इनडायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी और फोर्थ रेटिनोस्कोपी। सो गाइस, ये क्या हमारे फोर टाइप्स के डार्क रूम प्रोसीजर हैं। हम इसमें देखेंगे ये क्या हमारे प्रोसीजर हैं। अभी जो प्रोसीजर जो है किसके द्वारा हम परफॉर्म करने वाले हैं। सो जो डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी जो होती है उसे हम डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप के द्वारा परफॉर्म करेंगे। अब डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप क्या होता है? डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप हमारा क्या है, एक ऑफ्थाल्मिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी करेंगे। और जो डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी है उसको भी हम डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप के द्वारा परफॉर्म करेंगे, डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप। अब बेसिकली यहाँ पे एक चीज देखना, ये क्या हमारा स्कोपी और यहाँ पे हमारा है डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप। अब यहाँ पे देखना स्कोपी और स्कोप में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली ऑफ्थाल्मोस्कोप क्या है, ये पूरा वर्ड जो हमारे एक ऑफ्थाल्मिक इंस्ट्रूमेंट है, और स्कोपी क्या होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है वो हमारा ऑफ्थाल्मोस्कोपी कहलाता है। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप के द्वारा डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी जो है, जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है स्कोप और स्कोपी में वो यही है कि जो स्कोप जो होता है, डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप जो वर्ड है वो क्या है, हमारा ऑफ्थाल्मिक इंस्ट्रूमेंट है, और जो डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी क्या है, उसके उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो परफॉर्म किया गया जो प्रोसीजर है वो हमारा स्कोपी कहलाता है। उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी। जो डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी जो होती है वो भी डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप के द्वारा होती है। उसके बाद थर्ड जो दिया है हमारा वो है इनडायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी। जो इनडायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी जो होती है वो इनडायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप के द्वारा होती है, इनडायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेटिनोस्कोपी। जो रेटिनोस्कोपी जो हम करते हैं वो रेटिनोस्कोप के द्वारा करते हैं, रेटिनोस्कोप। अब यहाँ पे रेटिनोस्कोपी, यहाँ पे भी रेटिनोस्कोप और रेटिनोस्कोपी वर्ड है। तो जो रेटिनोस्कोप है वो हमारा एक ऑफ्थाल्मिक इंस्ट्रूमेंट है, और जो ऑफ्थाल्मिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है वो हमारा स्कोपी कहलाता है। यानी कि ये जो पूरा प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करेंगे वो हमारा रेटिनोस्कोपी ही होगा, क्योंकि ये रेटिना के द्वारा जो हम रेटिनोस्कोप के द्वारा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया रेटिनोस्कोपी, ठीक है। अब बेसिकली हम देखेंगे इसमें जो हमारे ये जो प्रोसीजर है वो किस कंडीशन में परफॉर्म किए जाते हैं, किस कंडीशन में हम डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप करेंगे, किस कंडीशन में हम डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप करेंगे, किस कंडीशन में इनडायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप करेंगे, और किस कंडीशन में हम रेटिनोस्कोप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं विजुअल एक्यूटी की। बेसिकली जो हमारी नॉर्मल विजुअल एक्टी जो होती है, नॉर्मल विजुअल एक्टी जो होती है वो होती है हमारी 6x6, ठीक है। अगर वो पेशेंट 6x6 का लेटर नहीं पढ़ रहा है और वे 6x60 का ही लेटर पढ़ पा रहा है सिर्फ, इट मीन्स उसका जो विजन है वो लॉस है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब वह तो सबसे पहले हम जब पेशेंट 6x60 तक ही पढ़ रहा है लेटर, 6x60 तक ही पढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसका पिनहोल से देखेंगे। बेसिकली हम पिनहोल से क्या देखते हैं, उस कंडीशन में हम उसका पिनहोल करेंगे, ठीक है। पिनहोल क्या होता है, एक ओपैक डिस्क होती है जिसमें छोटा सा बीच में सेंटर में होल होता है। बेसिकली जो होल होता है वो 1.5 का भी होता है और 1 mm का भी हो सकता है, ठीक है।
तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर पेशेंट की जो विजुअल एक्टिविटी है वो नॉर्मल नहीं है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारी आई है, ठीक है, ये लेंस हो गया, ये रेटिना हो गई, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे पिन होल लगाएंगे, ये क्या हमने पिन होल लगा दिया, जब हम आँख के सामने जब पिन होल प्लेस करते हैं पेशेंट को बोलते हैं कि ये छोटा सा छेद है इसमें से देखिए और पढ़िए क्या दिख रहा है, तो उस कंडीशन कह रहे हैं जब हमने पेशेंट के आई के सामने क्या है पिन होल प्लेस कर दिए, तो पिन होल से क्या होता है जो जहाँ पे हमारी रेज ऑफ लाइट रिफ्लैक्ट हो रही है वहाँ पे केवल एक रे ऑफ लाइट जाएगी सीधा न्यूडल पॉइंट से होती है और ये हमारी रिफ्लैक्ट हो जाएगी फोबिया पर, ये हमारा फोबिया हो गया और ये हमारा न्यूडल पॉइंट हो गया, न्यूडल पॉइंट से होते हुए सीधा रिफ्लैक्ट हो जाएगी फोबिया पर, क्योंकि यहाँ पे जो होल है वो बहुत छोटा है जिसकी वजह से केवल वन रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, वन रे ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो वन रे ऑफ लाइट जो आ रही है न्यूडल पॉइंट से फोकस होती है सीधा फोबिया पर रिफ्लैक्ट होती है। न्यूडल पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है, जो न्यूडल पॉइंट जो होता है वो सीधा जो रेज होती है उनको सीधा रिफ्लैक्ट करता है इधर उधर, ना कि इधर उधर रिफ्लैक्ट करता है, इधर उधर रिफ्लैक्ट ना करके जो न्यूरल पॉइंट जो होता है वो सीधा जो रेज को रिफ्लैक्ट जो करता है वो फोबिया पर करता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारा, ये पिनहोल का प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इन केस अगर भी अगर विद पिनहोल जो है पेशेंट का विजुअल इम्प्रूव हो रहा है, हमने ये जो है ये जो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने ये पिनहोल प्लेस कर दिया, अब जहाँ जब पेशेंट 6x6 तक पढ़ रहा था अब पिन होल से क्या है उसने 6x6 पढ़ दिया, ठीक है। तो ये क्या है, विजन इम्प्रूव हो रहा है। यहाँ पे हमारी दो कंडीशन फॉलो होती हैं, अगर विजन इम्प्रूव हो रहा है तो इट मींस क्या हमारा ऑप्टिकल एरर है, ऑप्टिकल एरर, ठीक है। अगर विजन इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो ऑर्गेनिक एरर है, ऑर्गेनिक एरर, ऑप्टिकल एरर जो अगर विजन इम्प्रूव पिनहोल से अगर विजन इम्प्रूव हो रहा है इट मींस क्या है ऑप्टिकल एरर है। ऑप्टिकल एरर हमारे बेसिकली कौन कौन से होते हैं, ऑप्टिकल एरर जो होते हैं हमारे हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और एस्टिगमैटिस, ये क्या हमारे तीनों ऑप्टिकल एरर हैं। इन जब पेशेंट का पिनहोल से विजन इम्प्रूव हो रहा है इट मीन जो विजुअल एक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सकती है और वो क्या हमारे ऑप्टिकल एरर हैं। इन केस मान लीजिए जब हम पेशेंट के आई के सामने पिनहोल प्लेस कर रहे हैं और वे उसका जो विजुअल एक्टिविटी है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है, उसकी जो विजुअल एक्टिविटी है वो 6x60 है, तो क्या है वो कंडीशन हमारी ऑर्गेनिक एरर कहलाती है। ऑर्गेनिक एरर में क्या होता है हमारा, ऑर्गेनिक एरर जो है ऑर्गेनिक एरर में क्या होता है, या तो कॉर्निया ओपेसिफिकेशन है, ठीक है, कॉर्निया ओपेसिफिकेशन है, या फिर लेंस में ओपेसिफिकेशन मींस कैटरेक्ट है, ठीक है, या लेंस ओपेसिफिकेशन, ठीक है, मींस कैटरेक्ट है, या फिर रेटिना में कोई प्रॉब्लम है, तो ये क्या हो गई हमारी, ये ऑर्गेनिक एरर हो गए, लाइक कॉर्निया में ओपेसिटी, या फिर हमारा आईरिस में कोई होल है, या फिर रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, लेंस सबलैक्सिस हो गया, तो ये सारी जो कंडीशन जो आती है वो हमारी ऑर्गेनिक एरर में आती है। ऑप्टिकल एरर में क्या है हमारा, कौन कौन सी कंडीशन होती है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिगमैटिज्म, इन तीनों ही कंडीशन में क्या है विजन इम्प्रूव होता है विद पिनहोल, विद पिनहोल इन तीनों ही कंडीशन में विजन इम्प्रूव होगा, लेकिन ऑर्गेनिक एरर में जो विजन है वो विद पिनहोल से इम्प्रूव नहीं होगा, वो क्या है किसी डिजीज की वजह से क्या है विजन लॉस हुआ है, लाइक कैटरेक्ट हो गया, कॉर्निया ओपेसिटी हो गई, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, या फिर हमारा विट्रस हैमरेज हो गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो कंडीशन जो हमारी वो ऑर्गेनिक एरर कहलाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब मान लीजिए जब पिनहोल से विजन हमारा इम्प्रूव होता है तब उस कंडीशन में क्या है हम रेटिनोस्कोप करेंगे, ठीक है, ऑप्टिकल एरर में क्या हम रेटिनोस्कोपी करेंगे। अगर हमारा ऑर्गेनिक एरर है तो ऑर्गेनिक एरर में क्या हम डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप करेंगे, डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी करेंगे और इनडायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी, बेसिकली ये क्या
क्या है डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी, इट मीन डिस्टेंट से पता चल रहा है जो हम ऑफ्थैल्मोस्कोपी जो करेंगे वो डिस्टेंट से करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है जो हमारी डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी करने की जो डिस्टेंट जो रहेगी, मान ली ये क्या है, ये एग्जामिनर है और ये पेशेंट है, ठीक है। तो जो इनके बीच की जो डिस्टेंट रहेगी वो 20 से 25 सेंटीमीटर रहेगी। मान लीजिए ये एग्जामिनर है, ये पेशेंट है, ये 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच में रहेगी। दूसरा क्या है, जब हम डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ थैल्मोस्कोप जो करेंगे तो हम उसमें क्या क्या देखेंगे। जो हमारा सेकंड पॉइंट है, बेसिकली इसका यूजेस क्या है, डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ थैल्मोस्कोपी का यूजेस क्या है। डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ थैल्मोस्कोपी हम जो यूज करते हैं वो ओपेसिटी के लिए यूज करते हैं। हम देखेंगे जो हमारा किसी पार्ट में जो हमारे सॉलिड मीडिया जो उसमें कोई ओपेसिटी तो नहीं होगी। सॉलिड मीडिया लाइक जैसे कॉर्निया, लेंस, रेटना या फिर आइरिस, उसमें हम देखेंगे कोई हम इसमें देखेंगे लेंस में कॉर्निया में देखेंगे कोई ओपेसिटी तो नहीं है, ठीक है। और हम रेटना में देखेंगे रेटना डिटैचमेंट तो नहीं हुआ है, लेंस सबलैक्सिस तो नहीं हुआ है। तो इसके ये सारी चीज़ों को हम डिटेक्ट करने के लिए क्या है, डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन में क्या है, अगर जब हम डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी परफॉर्म करेंगे, अगर हमारा ग्लो रैड है वो है, इट मीन्स जो आई है वो नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल आई में जो हमें रेड ग्लो दिखाई देता है, अगर आई जो अगर क्या है जो नॉर्मल आई में क्या है, हमें रेड ग्लो दिखाई देता है। अगर जो ग्लो है हमारा वो ब्लैक है, ब्लैक ग्लो, इट मीन्स क्या है, कोई ओपेसिफिकेशन है, कोई ओपेसिटी हो गई है, ठीक है, लेंस या फिर कॉर्निया में। अगर ग्लो हमारा कैसा है, ग्रेश, ग्रे ग्लो है, अगर ग्लो ग्रे है इट मीन्स रेटिनल डिटैचमेंट हो गया है, ठीक है। अगर ग्लो है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ग्लो में नो मूवमेंट, अगर ग्लो में कोई मूवमेंट नहीं है इट मीन्स विट्रस हैमरेज हो गया, विट्रस हैमरेज, ठीक है। ये हमारी इंटरप्रिटेशन हो गई। नॉर्मल ग्लो जो दिखाई देता है हमारा जब हम डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी करेंगे, तो जो ग्लो जो दिखाई देगा वो रेड ग्लो होगा, ब्लैक ग्लो जो दिखाई देगा इट मीन्स कोई ओपेसिटी हो गई है, ग्रे ग्लो जो दिखाई देता है वो रेटिनल डिटैचमेंट में दिखाई देता है, और जब कोई ग्लो में कोई मूवमेंट नहीं होता है इट मीन्स क्या है, विट्रस हैमरेज हो गया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो ब्लैक ग्लो जो हमें दिखाई दे रहा है, तो ब्लैक ग्लो जो दिखाई देगा वो हमें ओपेसिटी की कंडीशन में दिखाई देगा। अब हम इसको डिटेक्ट करेंगे बेसिकली जो ओपेसिटी जो हो रही है वो आई बॉल के किस पार्ट में हो रही है, कैसे डिटेक्ट करेंगे, क्या जो ओपेसिटी है वो लेंस में है या फिर कॉर्निया में है या फिर आईरिस में कोई होल हो गया है या फिर रेटिना डिटैचमेंट है या फिर लेंस सबलैक्सिस हो गया हो, ठीक है। सबसे पहले एक चीज बता दूं, लेंस सबलैक्सिस की जो सबसे बेस्ट टेक्निक है वो है हमारी डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ थैल्मोस्कोप। बेसिकली हम उसको डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ थैल्मोस्कोप से इजीली उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसमें क्या, लेकिन हम उसको क्या है स्लिट लैम्प से इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे जो बेस्ट टेक्निक जो मानी गई है वो डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ थैल्मोस्कोपी ही मानी गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ओपेसिटी की, बल्कि जो पार्ट में जो ओपेसिफिकेशन या ओपेसिटी जो हो रही है हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। उसको डिटेक्ट करने के लिए एक मैथड होता है, पैरालेक्स मैथड। पैरालेक्स मैथड बेसिकली इस मैथड में हम क्या करते हैं, इस मैथड में हम क्या करेंगे बेसिकली, नॉर्मली जब हम देखते हैं जब हम अपनी कॉर्निया को ऊपर करते हैं, जब हम ऊपर देखते हैं तो हमारी कॉर्निया क्या है ऊपर जाती है लेकिन लेंस नीचे आता है। जब हम नीचे देखते हैं तो जो हमारा जो लेंस जो है वो ऊपर जाएगा लेकिन कॉर्निया नीचे आती है।
ऐसे ही हम इसमें देखेंगे जब हम पेशेंट पर डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी परफॉर्म करेंगे तो पेशेंट से बोलेंगे ऊपर देखिए। जब पेशेंट ऊपर देखेगा, ठीक है, जब पेशेंट ऊपर देखेगा तो कॉर्निया क्या हमारी ऊपर जाएगी और लेंस जो है वो हमारा नीचे आएगा। ठीक है, कॉर्निया ऊपर जाएगी और लेंस जो है वो हमारा नीचे आएगा। तो उस अगर कॉर्निया में ओपेसिफिकेशन है तो ब्लैक स्पॉट जो है हमें वो ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि जब हम ऊपर देख रहे हैं तो कॉर्निया ऊपर जा रही है और लेंस नीचे आ रहा है, और जब हम नीचे देख रहे हैं तो जो लेंस है वो ऊपर जा रहा है, कॉर्निया नीचे आ रही है। अगर कॉर्निया में ओपेसिटी है तो जो ब्लैक स्पॉट जो है वो हमें ऊपर दिखाई देगा, लेकिन अगर लेंस में ओपेसिटी है तो जो ब्लैक स्पॉट है हमें जब कॉर्निया ऊपर जा रही है तो लेंस नीचे आएगा, तो जो ब्लैक स्पॉट है हमें नीचे दिखाई देगा। लेकिन अगर हमारा आइरिस में कोई होल हो गया हो या कोई मोल हो तो उस कंडीशन में क्या है, हमें जो ओपेसिटी जो दिखाई देगी वो बीच में दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, ये क्या है, तो ये क्या हमारा पैरालैक्स मेथड है जिसके द्वारा हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं बेसिकली जो ओपेसिटी जो हुई है वो किस पार्ट में हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद ये था हमारा डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी। बेसिकली ये दो प्रोसीजर जो परफॉर्म जो होती हैं वो एक ही इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होते हैं, डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप। ठीक है, तो ये क्या है, एक ही इंस्ट्रूमेंट के द्वारा परफॉर्म होते हैं। इसमें क्या है, केवल इतना हम इसमें डिस्टेंट रखते हैं, इसमें थोड़ी डिस्टेंट रखते हैं, तो इसमें हम ओपेसिटी वगैरह जो ओपेसिटी होती है उसको डिटेक्ट करते हैं। ऑफ्थैल्मोस्कोपी क्या है, वो भी हमारे डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप के द्वारा परफॉर्म की जाती है। डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी में क्या होता है, इस क्लोज टू पेशेंट, बिल्कुल पेशेंट के क्लोज होकर, बिल्कुल पेशेंट के पास आकर ये परफॉर्म की जाती है। आइडियली जो पेशेंट की और एग्जामिनर की जो डिस्टेंस होगी बिल्कुल क्लोज होती है। आइडियली जो डिस्टेंस जो होगी वो 15 mm होती है। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं, इसमें जो हमारी इमेज जो बनती है वो इरेक्ट वर्चुअल इमेज बनती है, और जो इमेज जो बनेगी वो 15 times मैग्नीफाई बनेगी। ठीक है, मतलब 15 गुना बड़ी इमेज बनेगी, और इसका जो 15 गुना बड़ी इमेज मैग्नीफाई इमेज बनेगी इसमें, और इसका जो फील्ड ऑफ व्यू जो होगा वो 5 to 10। तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो 5 to 10 degree होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो इसमें जिसका जो यूजेस जो होता है वो हम सेंटर के बेसिक जो स्ट्रक्चर है उनको डिटेक्ट करते हैं। सेंट्रल बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमारे होते हैं ऑप्टिक डिस्क, फोबिया और मैक्यूला। सो डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप में क्या कर रहे थे, हम ओपेसिटी को डिटेक्ट कर रहे थे, और डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप से क्या कर रहे हैं, हम जो हमारे जो सेंटर के जो बेसिक जो स्ट्रक्चर जो होते हैं ऑप्टिक डिस्क, फोबिया, मैक्यूला, उनको डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप की। डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप जो होता है उसकी जो डिस्टेंस जो होती है वो 1 arm डिस्टेंस होती है। इसकी जो डिस्टेंस जो होगी वो 1 arm डिस्टेंस होगी, मतलब पेशेंट जो होगा वो 1 arm पे होगा। पेशेंट को क्या सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे तो उसकी डिस्टेंस जो होगी वो 1 arm डिस्टेंस होगी। इसमें जो डिस्टेंस होती है बिल्कुल क्लोज टू पेशेंट, इसकी जो डिस्टेंस जो थी वो 20 to 25 centimeter थी। जो इमेज जो बनती है वो रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, 5 times मैग्नीफाइड। इसमें जो इमेज जो बनती है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है और 5 times मैग्नीफाइड, मतलब 5 गुना मैग्नीफाइड इमेज बनती है इसमें। ठीक है, और इसमें जो हम यूज जो करते हैं वो कंडेंसिंग लेंस यूज करते हैं, कंडेंसिंग लेंस
प्लस 20 डायोप्टर, ठीक है, इसमें जो लेंस जो यूज करते हैं वो कंडेंसिंग लेंस यूज करते हैं प्लस 20 डायोप्टर का, तो इसका जो विजुअल फील्ड जो होता है वो 15 डिग्री होता है, विजुअल फील्ड 15 डिग्री, इसका जो विजुअल फील्ड जो होता है वो 15 डिग्री होता है। इसके बाद सो बेसिकली इसमें हम एक चीज और देखेंगे जो हम डायरेक्ट ऑप्थैल्मोस्कोपी से जो जो लास्ट स्ट्रक्चर जो होता है डायरेक्ट ऑप्थैल्मोस्कोपी में स्कोपी से जो हम देखते हैं वो कौन सा होता है। तो सबसे पहले ये क्या हमारा, ये हो गया आई बॉल, ठीक है, ये आइरिस सिलरी बॉडी, आइरिस सिलरी बॉडी, ये हमारा हो गया जोन्यूल्स, ये लेंस हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये मान लीजिए हमारी ये रेज आ रही है, लाइट ऑफ बीम आ रही है, तो ये क्या है, ये ऐसे करके जाएगी, ये ऐसे करके क्या है फोकस होती है आई पे। तो ये जो लास्ट पार्ट कहाँ किस पार्ट तक व्यू, जो डायरेक्ट ऑप्थैल्मोस्कोपी क्या है वो लास्ट कौन से पार्ट तक, कौन सा पार्ट जो है वो उसमें दिखाई देता है, तो लास्ट का जो पार्ट है वो जो दिखाई जो देगा उसमें वो है हमारा पारस प्लाना, पारस प्लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट ऑप्थैल्मोस्कोप से जो लास्ट पार्ट जो व्यू जो कराता है वो कौन सा होता है, पारस प्लाना, पारस प्लाना क्या है हमारा सिलरी बॉडी, पारस प्लाना क्या है हमारा सिलरी बॉडी का पार्ट है। सिलरी बॉडी के बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं, पारस प्लिकेटर और पारस प्लाना, प्लाना पार्ट जो प्लेन वाला जो पार्ट जो होता है वो हमारा प्लाना कहलाता है, और जो टेढ़ा मेढ़ा ये मान लीजिए ये हमारी आइरिस हो गई, और ये जो ऐसे है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा पार्ट जो होगा ये तो हमारी आइरिस हो गई, ठीक है, और ये हमारा पारस प्लिकेटा हो गया, पारस प्लिकेटा हो गया, और ये जो प्लेन वाला जो पार्ट है वो हमारा पारस प्लाना कहलाता है, पारस प्लाना। तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑप्थैल्मोस्कोप से जो लास्ट पार्ट जो हमारा व्यू जो होता है वो पारस प्लाना होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर, सो गाइस आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, लेक्चर बड़ा नहीं है, इसलिए हम इसका जो थर्ड पार्ट जो है, जो जो इसका जो फोर्थ पार्ट है रेटिनोस्कोपी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।